हेलो एवरीवन वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विलेज एंड टुडे हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं जो मल्टीपल चॉइस टाइप के दैट आर रिलेटेड टू कॉटन इंडस्ट्री कॉटन फाइबर्स ये कॉटन क्रॉप के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक से स्टार्ट करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज़ इन्वॉल्व्ड इन कन्वर्टिंग कन्वर्टिंग फाइबर इंटू फैब्रिक फाइबर से फैब्रिक बनता है बट एक बीच का स्टेप होता है जिसे हम बोलते हैं यार्न तो ये स्टेटमेंट जो है फाइबर यान फैब्रिक ये सिक्वेंस होता है इसमें ठीक है फाइबर से बनाते हैं यार्न और यार से बनता है फैब्रिक तो ये सही है बीच में आता है आपके मिडिल में यार्न उसके बाद फैब्रिक फैब्रिक का मतलब होता है सिंपल कॉट मतलब कपड़ा बन गया आपका और फाइबर प्रीमेटिव मिडिल का होता है यार्न क्वेश्चन नंबर सेकंड में बात करते हैं विच आदि फॉलोइंग इज कॉल्ड वेजिटेबल फाइबर ठीक है वेजिटेबल फाइबर कौन से हैं देखिए कुछ सेलेक्टेड वेजिटेबल फाइबर्स हैं जैसे कि आपका कॉटन है जूट फ्लैक्स सीसल और ये इन्हें बैगास ये होते हैं वेजिटेबल फाइबर तो इसमें आप देख सकते हैं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो आंसर नहीं से हो पा रहा है इसका करेक्ट आंसर ऐसे निकलेगा क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करता हूँ विच अद फॉलोइंग इज नॉट ए वेजिटेबल फाइबर ठीक है आप बोल आपका करेक्ट आंसर हो गया बोल देखिए एनिमल प्रोडक्ट है ठीक है वेजिटेबल मतलब प्लांट कॉटन जूट नान ऑफ दी बात नहीं करें तो इसमें क्वेश्चन करते हैं कि विच अ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेजिटेबल फाइबर तो आंसर हुआ करेक्ट बी आंसर करेक्ट है यहाँ पे बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर तीन में बात करते हैं विच प्लांट फाइबर्स इज ऑप्टेंट फ्रॉम वेजिटेबल्स मतलब प्लांट तो है बट वेजिटेबल वाले पार्ट्स जो कि वेजिटेबल के फॉर्म में यूज़ किया जा सकता है वो उस पार्ट से अगर फाइबर मिल रहा है बननी जनरली क्या होता है स्टेम से मिलता है लिप से मिलता है तो जो जो पार्ट ऐसा कि वेजिटेबल यूज़ करा जा सके तो जूट और हेम जो होते हैं प्लांट के उन पार्ट से मिलते हैं जनरली दे आर नॉट यूटिलाइज बाय द ह्यूमन बींग्स एज वेजिटेबल्स बट क्वायर ठीक है उस जो ये पार्ट जो होता है ऐसे पार्ट से मिलता है जिसे एज ए वेजिटेबल यूज कर सकते हैं सो तो करेक्ट आंसर कि वेजिटेबल फाइबर्स वेजिटेबल से मिलता है तो करेक्ट आंसर का आपका यहाँ पे होता है क्वायर ठीक है तो कोकोनट निशफेरा वाला बात आते हैं तो क्वेश्चन नंबर फोर में बात करते हैं कि बीच आर दॉलोइंग पेयर आप स्टेट्स कंसिडर लार्जेस्ट फाइबर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन से हैं पंजाब हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर गुजरात राजस्थान पंजाब और यू उत्तर प्रदेश बिहार राजस्थान राजस्थान कर्नाटक वेस्ट बंगाल देखिए तो वेस्ट बंगाल में जूट होता है राजस्थान में ही होता मगर यहाँ पे जो सबसे कर्नाटक इसमें थोड़ा डिफरेंट है तो ये जो इस चैप्टर है गुजरात राजस्थान पंजाब बलाजू सेक्शन ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फावर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं ये क्योंकि कॉटन सबसे ज़्यादा होता है क्वेश्चन नंबर फाइव में हम बात करते हैं कि दी स्ट्रेंड ऑफ यार्न दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रेंड्स देखो ये यार्न बनाना किससे बताया था हमने फाइबर से फाइबर से बनता है यार्न और यार्न से बनता है आपका फैब्रिक्स तो वो थिनर स्ट्रेंड क्या कहलाते हैं फाइबर कहलाते हैं कॉटन इज यूजली पिक्ड बाई हैंड बिल्कुल सही बात है फाइबर्स आर देन सेपरेटेड बाई सीड्स बाई कॉम्बिंग फाइबर आर सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाई कॉम्बिंग दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इसे कहते हैं हम गिनिंग या जिनिंग जो भी पढ़ सकते हैं आप ठीक है तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर होता है आपका ए क्वेश्चन नंबर सेवन में हम बात करते हैं जिनिंग क्या प्रोसेस सेपरेट ऑफ कॉटन फाइबर फ्रॉम द सीट इस प्रोसेस को हम बोलते हैं जिनिंग ऊपर भी ये बात थी कॉटन इज ग्रोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कॉटन की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा ग्रो करा जाता है गुजरात में मगर यहाँ पर महाराष्ट्र गुजरात में कंपटीशन रहता है कि कभी गुजरात नंबर एक होता है कभी महाराष्ट्र में होता है इंडिया में तो यहाँ पर जो गुजरात है नहीं तो करेक्ट आंसर आपका हो जाता है महाराष्ट्र एम मतलब महाराष्ट्र क्वेश्चन नंबर नाइन में हम बात करते हैं कि वीविंग मतलब जो बुनाई होती है और फैब्रिक इज़ डन ऑन लूम्स फैब्रिक पेपर तो कदई करेक्ट आंसर है यहाँ लूम्स एक इंस्ट्रूमेंट होता है ऐसा डिवाइस है जिससे हम फैब्रिक की मतलब बनाते हैं कपड़ा ठीक है क्वेश्चन नंबर टेन में हमें मैचिंग करना है देखते हैं नेचुरल फाइबर सिंथेटिक फाइबर मिक्सड फाइबर एंड लूम तो लूम तो बीबिंग ऑफ क्लॉथ फॉर यार्न ये करेक्ट आंसर होगा है यार्न से हम कपड़ा बुनने जो लूम के थ्रू करते हैं और सिंथेटिक फाइबर यहाँ पर देखिए आपका गाइज होता है नाइलून नेचुरल फावर आपका देखिए कॉटन हो गया प्लांट डायरी मिलता है और मिक्स फावर आपका होगा गया टेरी काट तो जो करेक्ट आंसर बनता है आपका ए अब हम बात करते हैं कि टू मेन प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक्स फ्रॉम फ्राम यार्न से जो मिडिल स्टेप है मतलब फाइबर से यार्न यार्न से फैब्रिक तो फैब्रिक टू यार्न की जो प्रोसेस है दो तरीके बताइए जैसे फैब्रिक टू यार्न वीविंग एंड निटिंग वीविंग एंड स्पिनिंग निटिंग एंड स्पिनिंग वीविंग एंड स्पिनिंग देखिए स्पिनिंग तो बहुत प्रिमेटिव होता है कातना बोलना चाहिए तो यहाँ पर मैार से फैब्रिक बनाने की बात करते हैं तो वो बुनाई भी हो सकती है और जैसे कहते हैं बिनाई भी हो सकती है दो बात है बुनाई और बुनाई बुनाई तो ये करेक्ट आंसर कह आपका हो जाएगा ए क्वेश्चन नंबर ट्वेल में बात करते हैं मेट्रेस पिलो एंड क्वेल्टा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है इसमें जो मटेरियल भरा होता है आर फिल्ड विद विच काइंड ऑफ फाइबर तो इसमें सब में क्या होता है स्मॉल फाइबर कॉटन क्योंकि सर्फेस फाइबर होते हैं सीट से मिलने वाले स्मॉल साइज़ के जूट वूट तो लंबे लंबे होते हैं काफी बड़े फाइबर होते हैंप एंड पॉपी में तो फाइबर होता ही नहीं है हेम्प और कॉटन की अगर हम बात करें तो लॉन्ग होते हैं तो कॉटन के फाइबर जो होते हैं सर्फेस फाइबर है तो ये सब इन वाले मैट्रेस पिलो इन में भरे जाते हैं करेक्ट आंसर डी क्वेश्चन नंबर हम थर्टी में बात करते हैं कि ए विच वाट इज ट्रू एग दी बिलो मेंशन स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है मतलब गलत कौन सा है इन बीबिंग में क्या करते हैं क्लास में बार पे सेट ऑफ लेंथ वाइज यार्स ठीक है बार पे बोलते हैं जो लेंथ वाइज यार का जो सेट होता है दैट आर हेल्ड आन ए फ्रेम आर लूम सही बात है बिल्कुल यार दैट इज इंसर्टेड ओवर एंड अंडर ब्रेक इज कॉल्ड बेफ्ट बूफ एंड फिलर ठीक है नीटिंग क्रिएट्स मल्टीपल लूप्स ये बात ध्यान रखना है से मल्टीपल लूप्स क्रिएट होते हैं ऑफ एयर कार्ड जिन्हें स्टिच बोलते हैं इन्हें लाइन या ट्यूब इस ने knitting, ये सिंगल यार इज यूज इन नीटिंग सही बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है कि नीटिंग में सिंगल एयर यूज करते machine, active, हैं इट मे बी डन बाई हैंड आर बाई यूजिंग मशीन नीटिंग हैज ओनली वन एक्टिव ये स्टेटमेंट गलत है यहाँ पर देखिए निटिंग में क्या लिखा हो मल्टीपल लूप क्रिएट करती है ठीक है उन्हें हम क्या कहते हैं और यहाँ पे क्या कह कहते हैं वन तो ये जो स्टेटमेंट है ये सही नहीं है करेक्ट आंसर आपका ये हो गया निटिंग हैज़ ओनली वन एक्टिविस्टी इट इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट मतलब नॉट ट्रू स्टेटमेंट करेक्ट आंसर ये क्वेश्चन नंबर फोर्टीन में बात करते हैं सॉक्स जो होते हैं आर मेड विद विच प्रोसेस देखिए सॉक्स जो होते हैं कैसे बनते हैं निटिंग गिनिंग गिनिंग तो एक बहुत ही बेसिक प्रोसेस है स्पिनिंग भी वीविंग और निटिंग में से आंसर हो सकता है तो आप करेक्ट आंसर जो है ए निटिंग होती है यहाँ पे ठीक है सॉक्स में आपने देखा होगा वो वाली मेटीनिंग बुनाई होती है बिना ही नहीं हुँ। अब क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन में हम देखते हैं कि जो चीज़ें लिखी हैं वो क्या सही गलत कौन सी काउंसिंग फॉलोइंग ट्रू रिगार्डिंग दी काटन फाइबर इंडस्ट्री मतलब हैंडलूम में क्या प्रोसेस ऑफ बी सही है हैंडलूम प्रोसेस ऑफ बीविंग है पावर लूम पावरलूम लार्ज स्केल पर बात करते हैं कॉटन फाइबरिक्स आर मेड बाय बिग मशीन बिल्कुल सही है और बीबिंग क्या होती है प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग टू क्लॉथ ये बीबिंग कलाते हैं इसमें प्रॉब्लम नहीं है प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न बीबिंग दो ठीक है टू सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक ए फैब्रिक निटिंग ए मैथड बाई विच यान मैनिपुलेटेड टू क्रिएट ए टेक्सटाइल फैब्रिक सही है आल आप दिए तो ये सभी सही है करेक्ट आंसर आपका ये कोई प्रॉब्लम नहीं है सभी सही स्टेटमेंट है इन पे फॉलोइंग रिगार्डिंग द कॉटन बेनिफिट्स ओवर द सिंथेटिक फाइबर्स कॉटन के जो बेनिफिट्स है सिंथेटिक में कहाँ कहाँ पे है देखिए द वाटर इफिशेंटली ये सही बात है कॉटन बहुत अच्छी वाटर बाटर करता है वन साइड मॉडरेट रेट जल्दी उसमें आग नहीं लगती मॉडरेट रेट में मतलब बहुत ज़्यादा स्पीडी आग नहीं पकड़ता है और कॉटन सुइटेबल फॉर हाट एंड ह्यूमड वेदर एज दे एब्जॉर्ब स्वीट वेयर सिंथेटिक फाइबर डू नॉट सो कॉटन सुइटेबल फॉर हॉट एंड ह्यूमड वेदर दोनों के लिए ठीक है क्योंकि दे एब्ज़ॉर्ब स्वीट देयर सिंथेटिक फाइबर्स ऐसा नहीं करते ये भी इंपॉर्टेंट है और मॉडरेट लेवल पे दाग लग पाती है मतलब ज़्यादा कोई अट्रैक्शन नहीं है इसे एफिनिटी नहीं रखता है वन से और वाटर को इफिशेंटली एब्जॉर्ब करने की पावर होती है और ये तीनों करैक्टर जो होते हैं सिंथेटिक फाइबर में नॉर्मली एबसेंट होते हैं तो ये तीनों फैक्टर में कॉटन फाइबर्स गेट बेनिफिट ओवर द सिंथेटिक फाइबर्स तो करेक्ट आंसर का इज़ डी